विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। श्रावणी मेला को लेकर भागलपुर कमिश्नर दिनेश कुमार की अध्यक्षता में नगर परिषद सभागार सुल्तानगंज में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में भागलपुर डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, एसएसपी आनंद कुमार, एसडीएम धनंजय कुमार, डीएसपी चंद्रभूषण कुमार, एडीएम आपदा पदाधिकारी, आयुक्त सचिव और रेलवे विभाग के अधिकारी सहित सभी विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में श्रावणी मेला के दौरान बिजली, पानी, स्वास्थ्य सहित अन्य विशेष विषयों पर विचार विमर्श किया गया। कमिश्नर दिनेश कुमार ने श्रावणी मेला से पूर्व सभी आवश्यक कार्यों को ठीक करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए, ताकि बाहर से आने वाले कांवरियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। कमिश्नर ने NH-80 सड़क को भी जल्द से जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद कमिश्नर दिनेश कुमार और जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ गंगा घाट का निरीक्षण किया। मीडिया को संबोधित करते हुए प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि 22 जुलाई से श्रावणी मेला का शुभारंभ है और इसकी तैयारियों को लेकर 10 जुलाई तक सभी विभाग को कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान थानाध्यक्ष प्रिय रंजन, सीओ रवि कुमार, वीडियो संजीव कुमार, रेफरल अस्पताल प्रभारी डॉक्टर कुंदन भाई पटेल, सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन के प्रबंधक, बिजली विभाग के SDO सहित अन्य विभागों के जिला और प्रखंड के पदाधिकारी मौजूद रहे। आज मीटिंग हुई है तो सभी जो तैयारी हो रही है, चाहे बिजली से हो या पानी की व्यवस्था हो या सफाई की व्यवस्था हो या लोगों का आवासन की व्यवस्था हो या घाट पर साफ सफाई और भीड़ रेगुलेट करने का और इसी व्यवस्था हो, इसका हम लोगों ने आज जायजा लिया। काफ़ी वृहद हम लोगों ने मीटिंग भी किया और अभी बहुत सारा काम चल रहा है। हम लोगों ने भीड़ को रेगुलेट करने के लिए और विधि व्यवस्था पर कंप्लीट किया है। साथ में क्योंकि मेले में काफ़ी भीड़ होगी तो हर दिन बढ़िया साफ सफाई की व्यवस्था हो और जो हेल्थ शिविर लगेगा उसकी भी संख्या बढ़ा करके और वहाँ पर अग्निशमन, पीने का साफ पानी की व्यवस्था, ये सब का व्यवस्था हम लोगों ने आज हम लोगों ने चर्चा किया है। और अगेन हम लोग अगले महीने में जो सेक्टर मजिस्ट्रेट होंगे, अलग अलग सेक्टर के 12 में इसको विभाजित किया गया है, सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ ड्राई रन करेंगे और फिर उनसे एक बार हम लोग और मीटिंग करेंगे ताकि हम लोग ये सत्यापन कर पाएँ कि उनके अपने अपने सेक्टर्स में जो व्यवस्था की बात हम लोगों ने की है लोगों के लिए सामने मेला के दौरान वो पूरा हो जाए। सर, दुकानदार हैं जो यहाँ परमानेंट है उनके साथ भी बैठक की जाए और जो बाहर से आते हैं उनके साथ भी बैठक किया जाए और कुछ कंडीशंस फूड क्वालिटी के संबंध में लगाए जाएँ कि उस कंडीशन से नीचे क्वालिटी का फूड एक्सेप्ट नहीं होगा। दूसरा कि जितनी सड़कें हैं, कई बार होता है क्या है कि कई लोग आकर के सड़क को ही इंक्रोच कर देते हैं और आम लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, श्रद्धालुओं को दिक्कत होती है। उसके लिए हम लोग दो पट्टी मार्क कराएंगे सड़क के बाहर में, एक पट्टी जिसके अंदर बाहर में कस्टमर रहेंगे और दूसरी पट्टी ऐसी जिसके बाहर में दुकानदार रहेंगे। दुकानदार को सुनिश्चित करना पड़ेगा, यदि वो वायोलेशन करेंगे तो इस पर भी दुकानदारों पर कार्रवाई भी करेंगे। पूरे मेले भर के लिए उनको हम पार करेंगे कि फिर कहीं वो दुकान नहीं लगा सकते हैं। थर्ड की साफ़ सफाई पे विशेष ध्यान रहेगा, सभी दुकानदारों को डस्टबिन अपना रखना पड़ेगा, खास करके जो खाद्य पदार्थ की दुकानें हैं। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर रेलवे ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। मालदा जोन के DRM विकास चौबे ने गुरुवार को सुल्तानगंज स्टेशन और भागलपुर जंक्शन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने रेलवे के अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। मीडिया से बात करते हुए DRM विकास कुमार चौबे ने कहा कि इस बार श्रावणी मेला में आने वाले श्रद्धालुओं को रेलवे द्वारा किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। रेलवे ने अपनी तैयारियाँ शुरू कर दी है और सुल्तानगंज में अमृत स्टेशन योजना के तहत जो कार्य हो रहा है उसे भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि इस बार श्रावणी मेला के लिए कई विशेष मेला स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिसके साथ ही उन्होंने बताया कि श्रावणी मेला के दौरान RPF और स्थानीय जिला प्रशासन भी यात्रियों की सुविधा के लिए मुस्तैद रहेगा। उन्होंने बताया कि मेला के दौरान यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और सेवाएं मिलेंगी, जिससे उनकी यात्रा सुगम और सुरक्षित हो सकेगी। सुल्तानगंज विजिट आज किया था ताकि क्योंकि लगभग एक माह से कम रह गया है और सुल्तानगंज स्टेशन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 22 जुलाई से श्रावणी मेला का प्रारंभ होने वाला है। तो न केवल हमको वहाँ पर यात्रियों की आवाजाही के लिए व्यवस्था करनी होगी, ट्रेनें करनी होंगी, स्टॉपेज करने होंगे,
एक्स्ट्रा कोच करने होंगे, बल्कि साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना है कि वहाँ पर जो यात्रियों का एक्सपीरियंस है स्टेशन पे वो बहुत ही सुविधाजनक है। अभी खास तौर से चैलेंज ये है कि हम लोगों ने ये चयनित किया था सुल्तानगंज स्टेशन अमृत स्टेशन के रूप में डेवलप करने के लिए। काम इसमें देर से शुरू हुआ क्योंकि लास्ट ईयर बड़ा श्रावणी मेला था जिसमें जो कि 3 माह तक चला था, तो उसके बाद ही हम लोग काम शुरू कर पाए और स्टेशनों पे हमारा काम चालू हो गया था। तो उसमें से कुछ चीज़ें डेवलप हो गई हैं, कुछ चीज़ें अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हैं। तो हमें ये निर्णय लेना था कि किस फैसिलिटी को कहाँ पर हमें रोक देना है, क्योंकि निर्माण कार्य जो है वो हम जब श्रावणी मेला चल रहा होगा उस दौरान हम चाहते हैं कि वहाँ पर ना हो, ताकि यात्रियों के की सुविधा में किसी प्रकार की अड़चन ना डेवलप हो। दूसरा, हम लोगों ने जो 2 चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया है, एक तो ये कि यात्रियों का जो रूट है वो ट्रैक के ऊपर से होकर के ना बने। तो विशेषकर जो देवघर साइड की तरफ से जो मूवमेंट है, जो रोड ओवर ब्रिज है वहाँ पर, वहाँ से आने वाले जो यात्री हैं तो उनके लिए बेहतर होगा कि वो रोड ओवर ब्रिज से आएँ। सेम ट्रैक पर आने से किसी भी अप्रिय घटना के होने की संभावना है, और हम लोग बैरिकेडिंग करके, आरपीएफ का डिप्लॉयमेंट करके, स्टेट गवर्नमेंट के साथ समन्वय करके ये इंश्योर करेंगे कि एक तो वो चीज़ ना हो। भागलपुर 0 माइल स्थित रेशम भवन प्रांगण में गुरुवार को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए एक विशेष ऋण वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत कई लाभार्थियों को ऋण वितरित किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि आज का दिन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के लाभार्थियों के लिए विशेष है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत आज कई लाभार्थियों को ऋण प्रदान किया गया और आगे भी इसी तरह से ऋण वितरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि इन योजनाओं का उद्देश्य छोटे और मध्यम उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उनके व्यवसाय को सशक्त और स्थायी बनाना है, जिससे वे अपने व्यवसाय का विस्तार कर सके और अधिक रोजगार के अवसर पैदा कर सके। कार्यक्रम से भागलपुर के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को नई ऊर्जा और प्रोत्साहन मिलेगा, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एमएसएमई डे है, यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए आज दिवस हम लोग मनाए हैं। आज रेशम भवन में इस दिवस को सेलिब्रेट किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट रोजगार एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एवं पीएमएफएमई के जितने भी हमारे लाभार्थी थे उन लोगों को ऋण वितरण भी किया गया है। इस ऋण वितरण में हमारे विभिन्न बैंक का काफ़ी सहयोग रहा है, साथ ही हम इस टीम में सहायक निदेशक जो राज्य स्तर से आए हैं और हमारे जीएम डीआईसी एवं उनके पूरे टीम का काफ़ी मेहनत अभी दिख रहा था। मैं समस्त उद्यमियों को आज शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और साथ उनसे एक ही चीज़ कहता हूं कि आप उद्यम करें और संभावनाएं अनंत हैं, अपनी संभावनाओं को तलाशें और अच्छा मेहनत करें, अच्छा अर्न करें, लोगों को रोज़गार दें। भागलपुर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में बुधवार को 80 बेड के इमरजेंसी मेडिसिन विभाग का उद्घाटन किया गया। ई मेडिसिन का उद्घाटन अस्पताल अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और वरीय चिकित्सकों ने फीता काटकर एवं विभाग का शुभारंभ कर किया। दरअसल नए मेडिसिन विभाग का उद्घाटन इमरजेंसी में मरीजों के दबाव को कम करने के उद्देश्य से किया गया है। अब मेडिसिन से संबंधित मरीजों को इमरजेंसी से ट्रांसफर कर इस नए विभाग में भेजा जाएगा, जिससे इमरजेंसी वार्ड में भीड़ में कमी आएगी। मेडिसिन विभाग में कई अत्याधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे मरीज को बेहतर और अधिक सुविधाजनक चिकित्सा सेवाएं प्राप्त होंगे। इस अवसर पर अस्पताल के चिकित्सकों के साथ साथ नर्स और अन्य स्टाफ भी मौजूद रहे। बता दें कि नई व्यवस्था से अस्पताल में मरीजों की देखभाल और उपचार की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है, जिससे भागलपुर के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त होंगी। तो आपके सामने है सब कुछ सुविधा हमारा, मेडिसिन से रिलेटेड जो मरीज आएगा, जो तकलीफ होगा, आपका मॉनिटर लगा हुआ है, जांच की सुविधा यहाँ जितनी मेडिसिन से रिलेटेड ईसीजी है, होटल होल्टर है, ये और आपका ये ब्लड वगैरह जाँच का बीएससीआरबी है, इको है, यहाँ सब जो भी जाँच हमारे पास अवेलेबल पहले से है वो सब सुविधा मरीज को मिलेगी। कैपेसिटी टोटल 80 बेड यहाँ है हमारे पास इसके लिए। हाँ, 80 बेड।
भागलपुर जगदीशपुर अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण करने एसडीएम धनंजय कुमार पहुंचे। निरीक्षण के दौरान डीसीएलआर भी मौजूद रहे। इस दौरान एसडीएम धनंजय कुमार ने बताया कि दाखिल खारिज प्रक्रिया में जो कमियां पाई गई है उन्होंने कर्मचारियों को तुरंत दुरुस्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि दाखिल खारिज करने वाले व्यक्तियों को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए कि उनके आवेदन को किस कारण से रिजेक्ट किया गया है। एसडीएम ने लंबित पड़े दाखिल खारिज के मामलों को जल्द से जल्द निपटाने और अंचल में जो भी कमियां हैं उसे दूर करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि नए कर्मचारियों को काम करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है जिसे ठीक किया जाएगा। साथ ही अंचल में दलाली के कामों को बंद करने की चेतावनी भी दी गई। उन्होंने कहा कि जो भी दलाली में शामिल होंगे उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये सामान्य निरीक्षण था, मतलब चूंकि अभी आप लोगों को जानकारी होगी कि डीएम सर्वेस्तर से डेली का रेवेन्यू की बैठक की जा रही है और जो पेंडेंसीज है अंचल में अभी थोड़ा ज़्यादा है, तो सर्के स्तर से लगातार उसका निरीक्षण किया जा रहा है और मीटिंग हो रही है। हम लोग भी अपने स्तर से इन लोगों को गाइड कर रहे हैं क्योंकि जगदीशपुर में आप लोग जान रहे हैं कि नगर निगम का सारा क्षेत्र आता है, वहाँ पे नंबर ऑफ केसेस निश्चित रूप से ज़्यादा रहता है, उनको गाइडेंस की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ वो भी लूपहोल्स हम लोग देख रहे थे कि क्यों इतनी पेंडेंसी, तो उन पर उन लोग को डायरेक्शन दिया गया और समय दिया गया कि इस पर कंप्लाइंस करें 3 से 4 दिनों के अंदर। साथ ही साथ एक अन्य प्रयोजन भी था कि स्किल डेवलपमेंट से जो रिलेटेड जो सरकार की विभिन्न योजनाएँ हैं वो आप लोग के माध्यम से हम जो भी जगदीशपुर की जनता है उनको भी जागरूक करना चाहेंगे कि एक जो बच्चों के लिए लोन स्कीम है या फिर जो बेरोजगार लोगों के लिए जो सरकार स्कॉलरशिप देती है और अन्य जो भी योजनाएं हैं उसका जो लाभ है वो उसमें जितना आवेदन आ रहा है उसकी संख्या बहुत कम है।